So that is very important. So as I said that smart study is very important for preliminary examination because there is no end. If you look at the content, there is no end. You have to stop somewhere or the other. For that, it is very important that you do smart study. Jo bhi basic books hai, unhe uthakar padh liya, notes bana liya, iske baad un notes ka multiple revision karna hai. Revision is very important if you want to like crack this examination, I would emphasize that. Because ek baar padh lene se, you will not be able to handle the things that UPSC asks, whether in prelims, whether in mains. So revision is very important, and revision is possible only after you have made your own notes. Books se bhi padhkar kai log kar lete honge revision, but for me, what I had done, I will tell you. Books ki maine do teen baar reading ke baad apne khud ke notes bana liye, kafi short aur concise banaye the maine notes, so that revision karna kafi asaan ho jaye mere liye in a very limited period of time that I will be having. So I made my notes, and then jab there was a small time like 2 months or 3 months was remaining, so I made sure ki main apne notes ko multiple time revise karu. So revision is very much important in order to grasp a few things and approach this examination. So smart study in that sense is very important. Smart study में आपने क्या किया? दो तीन reading कर ली basic books की, उसके बाद अपने खुद के notes बना दिए, उसके बाद उन notes का multiple revision किया. We'll come to the current affairs part later. This was for the basic books, maybe economy, polity, environment and all these areas की जो basic books होती है, उनमें उनको इस तरह से मैंने approach किया था. And this method may or may not help you also. Like मुझे ऐसा लगता है किसी का भी मेथड अडॉप्ट करने से पहले आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. व्हाट वर्कड फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू, बट व्हाट वर्कड फॉर मी नोइंग दैट मे हेल्प यू टू एनालाइज व्हाट विल वर्क फॉर यू, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेज बिफोर अडॉप्टिंग एनी मेथड दैट यू मे कम अक्रॉस. सो आफ्टर मेकिंग नोट्स एंड रिवाइजिंग देम मल्टीपल टाइम वी कम टू द पार्ट ऑफ करेंट अफेयर. करेंट अफेयर्स का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में पार्ट है दैट इज़ अगेन वेरी अनलिमिटेड. कोई लिमिट नहीं होती है कि कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठा के पूछ ले. पहले दो तीन साल पहले ऐसा मुझे याद है स्पोर्ट्स का सेक्शन नहीं आता था, सो वी वर फ्री के हाँ चलो स्पोर्ट्स को हम ऐसे दो के लास्ट पेज जो होते थे न्यूज़पेपर के ऐसे बंद करके रख देते, बट दैट प्रिविलेज इज़ नॉट प्रेजेंट एट द प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है. तो इन दैट सेंस किसी भी एरिया से किसी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट अगेन दैट हैज़ अ लिमिट. इवन इफ वी सी के वो अनलिमिटेड है, बट देन सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे आपको आइडिया लग सकता है कि देर इज़ अ लिमिट टू व्हाट यूपीएससी माइट आस्क आल्सो. एक आइडिया तो बेसिक हो ही सकता है. सो करेंट अफेयर के लिए मैंने क्या किया, मैं शॉर्ट में वो शेयर कर दूँगी. मैं न्यूज़पेपर पढ़ना एक हैबिट मेरी थी जो प्रिलिम्स एग्ज़ाम मेन्स एग्ज़ाम में मेरे काफ़ी काम आई. वो ये थी कि मैंने कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर जो था मेरा जूनियर कॉलेज का ही, तब से ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. न्यूज़पेपर मैं तब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए. सो आई स्टार्टेड रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, और मुझे बॉम्बे टाइम्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो तब तो मैं उसमें काफ़ी टाइम स्पेंड कर देती थी. बट लेटर आई रियलाइज्ड कि ये सब नहीं आता, मतलब शाहरुख खान सलमान खान वाली न्यूज़ मुझे इतना आइडिया नहीं था उस वक्त पर. बट देन इवेंचुअली आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर 3 to 4 years आई केम टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. देन आई केम अक्रॉस द सिलेबस एंड देन आई ट्राई टू अलाइन माई न्यूज़पेपर रीडिंग विद द सिलेबस. पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ये सब सेक्शन से जो भी न्यूज़ आती थी आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं बहुत ही कीन इंटरेस्ट के साथ उन टॉपिक्स को पढ़ूँ. बेसिक पॉइंट है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट तो डालनी ही होगी इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. देर मे बी अ फ्यू पीपल जो कहें कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट और उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़े बिना भी एग्ज़ाम क्लियर किया, बट देन न्यूज़पेपर हेल्प्स यू इन अ लॉट ऑफ अनइमेजिनेबल वेज. आई वुड से नॉट ओनली इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बट ऑल्सो मेन्स एग्जामिनेशन. मेन्स का बाद में बात करेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट जो है मैंने बहुत पहले से अपने अंदर इनकलकेट कर ली थी, एंड इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी. कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, एक्सप्रेस, द हिंदू, विच एवर फॉर्मेट यू आर कम्फर्टेबल विद, यू कैन पिक अप दैट न्यूज़पेपर एंड देन यू कैन थरली रीड दैट न्यूज़पेपर. शुरू में वक्त लग सकता है, बट इवेंचुअली यू विल कम टू नो के कौन से पार्ट्स न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट है, कौन से पार्ट नहीं है, किस पे ज़्यादा फोकस देना है, कितना फोकस देना है, और कौन से पार्ट के नोट्स निकालने. न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं, अगर हम हर चीज़ के नोट्स बनाने लग गए तो फिर इट विल बिकम वेरी बल्की. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एरिया दैट विल नीड टू बी रिमेंबर्ड एंड मेक द नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर इन अ वेरी लिमिटेड वे वेयर एवर यू वॉन्ट टू मेक. सो
So this habit had helped me a lot. Another habit that had helped me in my prelims preparation was that I tried to refer to multiple sources of information. मैंने कोई podcast सुन लिया, YouTube पे video देख लिया, not restricting my preparation just to newspaper or the reading material that I'm referring to, but referring to a wider array of information. Maybe कोई podcast सुन लिया, कोई YouTube video अगर आ रहा है किसी concept पे तो वो देख लिया, news में अगर कुछ concept आ रहा है उसको Google कर लिया. So that way वो जो inquisitive mind होता है ना, that helps us a lot in preparing for this examination. Be curious about the things that may be relevant to this particular examination, or maybe even remotely relevant to this examination. क्योंकि कहीं से भी question बन सकता है. So in that sense, have that inquisitive mind while preparing for UPSC. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके reading material में हर चीज़ available हो. That is why it is very important कि multiple sources वगैरह को refer करके और आप prepare करने की कोशिश करें. So these were the few habits that helped me a lot during my preparation. और फिर as I said, reasonable coverage current affairs तो unlimited होती हैं कि daily कुछ ना कुछ हो रहा है. तो it is very important कि reasonably आप cover करने की कोशिश करें. Don't try to cover everything, क्योंकि no one ever is able to cover each and everything that is happening in the current affairs. So have a reasonable coverage of the things that you can, and then you can move on. बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट. बेसिक्स जो हमने अभी बात की, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, उसको प्रिपेयर करना भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर को भी प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव टू बैलेंस बोथ दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वी आर नॉट लैगिंग इन एनी ऑफ दीज एरियाज. करंट अफेयर से इतना ओवरवेल्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल दैट इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन व्हेन आई कुड नॉट क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आई यूज टू गेट ओवरवेल्ड विद करंट अफेयर सो मच कि मैं अपना दिन का 80% टाइम कई बार करंट अफेयर में ही दे दिया करती थी, विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव. क्योंकि देर इज़ अ सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कि इतना पार्ट जो है वो बेसिक से आएगा ही. सो इफ़ यू लैग बिहाइंड इन दैट पार्ट, दैट इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बैलेंस योर करंट अफेयर का प्रिपरेशन विद योर बेसिक इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी का प्रिपरेशन. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.